he's the distributor of the film. थोड़ी सी बातचीत करेंगे आप लोगों के पास कुछ सवाल हो तो जरूर पूछिएगा उसके फौरन बाद हम जाएंगे क्योंकि साकिब बैंड यहाँ मौजूद हैं सो वो फिल्म में से भी कुछ ट्रैक्स प्ले करके दिखाएं और आपके सामने अपना भी म्यूजिक ओपन करें तो उनके सामने लाइव परफॉर्मेंस का सेशन करेंगे उससे पहले थोड़ी सी बातचीत सरमद फिल्म जिंदगी तमाशा कब रिलीज हो रही है तो सब जगह पर पेश हुआ है फिल्म के बारे में लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोगों को कैसी पसंद आएगी उसके बारे में कुछ बताएंगे लेकिन मेरा ख्याल है लोगों को फिल्म देखने के बाद खुद फैसला करना चाहिए कि उनको फिल्म कैसी लगती है हमारा काम फिल्म बनाना मेरा ख्याल सभी मेहनत से काम करते हैं और सभी मेहनत से फिल्म बनाते हैं इससे पहले जब मैंने मंटो बनाई थी तो तब भी मेरी ऑडियंस बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सरप्राइज करती है उन्होंने ऐसा बहुत लोगों को लगता था कि वो कमर्शियल नहीं है या उसमें वो जो आमतौर पर लोग मसाले देखना चाहते हैं वो नहीं है मुझे लगता है सिनेमा का काम सिर्फ ये नहीं होता कि हम हंसी मजाक और सिर्फ एक ही तरह की फिल्म बनाते जाएं तो ये फिल्म जो है यकीनन इसके अंदर एंटरटेनमेंट भी ग्राफ है एंटरटेनमेंट भी है बहुत अरसे बाद मेरा ख्याल है खूस लाहौर के ऑडियंस के लिए मैं कहूँगा पंजाबी की फिल्म है और ये मेनली पंजाबी है इसकी लैंग्वेज लाहौर को एक ऐसे अंदाज में दिखाने की मैंने कोशिश की है जो कि आमतौर पर हमें लगता है कि लाहौर को सिर्फ हम हंसी मजाक हलवा पूरी के लिए पतंगों के लिए गलियों के लिए शूट कर लेते हैं लेकिन लाहौर की जो अपनी एक फ्लेवर है लाहौर का जो अपना उस रहतल का जो रंग है वो इस फिल्म में आपको नज़र आएगा फिल्म के अंदर बहुत सा ड्रामेटिक कॉन्टेंट तो है लेकिन मुझे लगता है जो बात हम इस फिल्म में कह रहे हैं वो बड़ी अहम है और वो आपको ट्रेलर देख के शायद कुछ आइडिया हो गया हो बाकी 24 जनवरी को जी ऑल ओवर पाकिस्तान रिलीज़ हो रही है यहाँ से फैक्स में भी लगेगी और मैं सबसे यही कहूँगा कि वो लोग उसको आखिर एक बार देखेंगे हाँ ओके और जितना मॉल के अंदर शोर है उसके अंदर लेकिन ऑडियो पर नहीं प्ले हो रही हम यहाँ पे आपको ऑडियो के साथ एक दफा फिल्म का ट्रेलर दिखाना चाहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू मेरा नाम मोहम्मद राव खाजा है और मैं वीडियो उन दोस्तों और अजीजों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिनको मेरी कुछ नाजेबा और होश अरदास की तकलीफ पहुँची है पाकिस्तान के बड़े मशहूर राज साहब मोहम्मद राहत खाजा साहब अंदर को बुला के मैंने शो पे मैं नहीं प्रसूत आसिया की आखिरी फिल्म कीड़ी देखी आप वही है ना जिनकी वीडियो आजकल फेसबुक पे चल रही है ਨਾਤਾ ਫੜ ਫੜੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆਇਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਗੰਦੇ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਚੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਦਰ ਮੇਰੇ ਸੇ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਪਾਸਤੀ ਰੱਖਦੀ ਮੌਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਲਾਮ ਬੋਲ ਕੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤੋ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੰਮੀ ਕਰ ਨਾ ਉਹ ਅੰਮੀ ਅੱਜ ਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਮੋਹ ਹੋਏ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਸਾਰੇ जेड़े आमतौर पर लोग बहुत गिरा करते हैं जी हम सिर्फ सतही फिल्में बनाते हैं और हमारी फिल्मों में असली कंटेंट नहीं होता तो मैं एक चीज़ का वादा जरूर कर सकता हूँ कि आपका ये गिला कि हमारी फिल्मों के अंदर हम कोई संजीदा बात या कोई ज़रूरी बात नहीं कर सकते वो गिला आपको नहीं है बट उसके लिए आप इस फिल्म को डिलीवर चाहें सो 24 जनवरी 2020 जी हम इसको नई दिहाई दे रहे हैं क्योंकि एक नए डेकेड का आगाज़ हुआ है तो आई फील आई होप इंशाल्लाह दैट दिस फिल्म इज़ लकी दैट मीन्स क्योंकि
बहुत कम फिल्में बनती हैं जी वसाइल की कमी की वजह से, और सिनेमा हाउसेज जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता की रौनक कम होती जा रही है। सो इस डेकेड की पहली पाकिस्तानी रिलीज जिंदगी की तमाशा होगी जी 24 जनवरी को। सो लेट्स सी, आई होप इट्स अ गुड बिगिनिंग ऑफ द डेकेड, नॉट फॉर दिस जिंदगी तमाशा बट फॉर पाकिस्तानी सिनेमा। निर्मल, निर्मल जनाब, नए लोगों की जब हम बात करते हैं तो सबको ये लगता है कि फिल्में तो शायद सिर्फ कोई मेरी उम्र के या मेरी उम्र के से ज़्यादा के लोगों का काम है, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस डे एंड एज में नए लोग जो हैं, नए बच्चे, नए पढ़े लिखे लोग जो इस काम की डिग्री पढ़ के ये काम हम कर रहे हैं, जो बाकायदा तौर पर इसको, इस काम को वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इसको वो टाइम दे रहे हैं। निर्मल जो है जी वो एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट फिल्म मेकर हैं फ्रॉम NCA, उन्होंने ग्रेजुएट किया है, दो साल पहले इन्होंने फिल्म इंजीनियरिंग में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से ग्रेजुएट किया और ये इनकी पहली फिल्म है। शी इज द राइटर ऑफ द फिल्म। निर्मल बानो, जहाँ तक बात है जी लवाजमात की, तो वही बात, जब फिल्म पंजाबी में हो और उसमें हिस्से में जाना हो, ये तो बहुत ही अनफेयर बात होगी। तो फिल्म के अंदर आपको एक बहुत अच्छी पल्स मिलेगी उस हिस्से मिजाज की भी, जो हम सब पंजाबियों को बहुत पसंद भी है और जो हमारे बोलने का, हमारे बहने का हिस्सा भी है। म्यूज़िक की अगर हम बात करें तो फिल्म में लोग म्यूज़िक एक्सपेक्ट करते हैं। म्यूज़िक के हवाले से इधर मेरे होनहार और बहुत ही टैलेंटेड दोस्त साकिन बैंड जी, ये भी पहली दफ़ा फिल्म का म्यूज़िक दे रहे हैं और इन्होंने इस फिल्म के लिए बहुत ही अच्छा म्यूज़िक क्रिएट किया है। तो वो वाले लवाजमात भी आपको मिलेंगे जो आप सिनेमा से एसोसिएट करते हैं, लेकिन एक ऐसे फ्लेवर में जो कि मुझे लगता है कि आजकल का सिनेमा उसको थोड़ा सा अब नए दौर का लगना चाहिए। अभी हम आपको एक अपना प्रमोशनल वीडियो दिखाते हैं जो कि इस फिल्म के साउंडट्रैक पे बेस्ड है। इसमें आपको कुछ फिल्म की झलकियाँ नजर आएंगी और बाकी वीडियो जो है जी वो आप लोगों को गाने
दफ़ा ख्याल आता होगा, मेरे दिल में तो बहुत दफ़ा आता है कि काश किसी एक फिल्म का ऐसा हम भी बन सकें बहैसियत अदाकार। और बहुत सारे नौजवानों का ये बहुत गिला रहता है कि कितना अर्सा गुजर गया और हमने कितनी मेहनत की और किस किस हम जगह पर नहीं गए और हमें एक्टिंग का चांस नहीं मिला। पक्का लाहौर, लेकिन मैं पंजाबी स्पीकिंग नहीं हूँ, मैं लाहौर में नहीं रहता। अब मैं यहाँ पैदा नहीं हुआ, इसमें मेरी माई कैपेबिलिटीज क्या कह सकता हूँ। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम कंटेंट की, जो सर मत बात कर रहे थे कि हमारे कंटेंट अच्छा नहीं होता और बहुत सारी पड़ोस की फिल्मों को देख के वैसे ही तकरीबन कहानी खा के बना ली जाती। ये फिल्म जिंदगी तमाशा एक एशिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल होता है साउथ कोरिया में, एक शहर है बुसान, बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये फिल्म वहाँ पे भेजी थी हमने, और जो फीचर फिल्म फुल लेंथ फिल्म जो थी उसमें कोई तकरीबन 100 के करीब फिल्म है, 95-98 ऐसी कुछ फिल्म थी। उसमें ये फिल्म नॉमिनेट हुई थी अवार्ड के लिए 10 फिल्मों में, आज तक कोई फिल्म नहीं हुई पाकिस्तान में। और इसमें हम जो कम्पीट कर रहे थे, नहीं मैं आगे भी कहूँगा, जो हम कम्पीट कर रहे थे, हम कर रहे थे ईरानी फिल्म से, इंडियन फिल्म से, जापानी फिल्म से, कोरियन फिल्म से। ये बहुत अच्छी फिल्म बनाते हैं इंडियन को, तुम कहते हैं ना कि यार पता नहीं कहते हो तो उन 10 फिल्म में जो नॉमिनेटेड थी उनमें ये फिल्म भी थी। और पाकिस्तान की पहली फिल्म है अब तक जिसने वो अवार्ड जीता, अब तालियां क्योंकि इससे ज़्यादा फख्र की बात कम अज़ कम मैंने अगर कुछ पाकिस्तान का अगर अपना हिस्सा दे सकता हूँ, डाल सकता हूँ नाम रोशन करने में, मुश्किल काम होता है, तो ये जो हुआ है ये दैट वॉज माई पार्ट। मैंने कोरिया में सर मत गए थे, वहाँ कोरियन जिनको इंग्लिश भी नहीं आती, वहाँ पे मैंने जब हम सिनेमा में फिल्म देख रहे थे तो मैंने कोरियन खवातीन को बाकायदा घूमते हुए देखा इस फिल्म में, और उन्होंने अप्रिशिएट किया इस फिल्म को। बहुत सारे मज़े मज़े की बातें उनसे सवाल किए पाकिस्तान के मुताबिक, बहुत सारे लोगों को पता भी था पाकिस्तान है का, लेकिन तो ये एक बहुत फख्र की बात है मेरे लिए। सबसे ज़्यादा फख्र की बात ये है कि मैंने एक ऐसी फिल्म में काम किया है वैसे पाकिस्तानी, जो फिल्म एक इंटरनेशनल लेवल का, इससे बड़ा इससे पहले कम से कम मेरे इल्म में नहीं है कि किसी फिल्म ने कोई ये अवार्ड जीता। तो गुजारिश है कि आइए 24 से रिलीज हो रही है फिल्म, देखिएगा ज़रूर एक दफ़ा और फिर अपनी राय भी बताइएगा कि कैसे देखिए आप। Thank you very much. Thank you. फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ बुसान फिल्म फेस्टिवल में लास्ट ईयर अक्टूबर की 4, 5 और 6 तारीख को। फिल्म यहाँ पे लग रही है अक्रॉस पाकिस्तान 24 जनवरी को तमाम सिनेमाघरों में, बशमूल ये सिनेमाघर जहाँ पे आज हम खड़े हुए हैं। हमारे पास में फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर हैं आमिर शेख साहब, आप लोगों ने मिलकर फिल्म बनाई, बहुत मेहनत की, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में भेजी, वहाँ पर एक बहुत अच्छे फेस्टिवल में जो एशिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है वहाँ पे बेस्ट फिल्म अवार्ड भी हो जीती। अब वो फिल्म हमारे अपने मुल्क में लग रही है, आप भाई क्या कहना चाहते हैं इन सब लोगों को, क्योंकि अपने हिस्से की जिम्मेदारी मुझे फिल्म से पूरी कर दी, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी की तरह से, अब जिम्मेदारी का वो किस तरफ मुड़ जाता है? अस्सलाम वालेकुम। ये 2020 की पहली मूवी है, पाकिस्तानी मूवी है, और हम लोगों की खुशकिस्मती है कि सब लोग कौशल साहब की फिल्म हम रिलीज़ कर रहे हैं, और हम उम्मीद यही करते हैं कि इंशाल्लाह ताला ये एक डिफरेंट मूवी होगी। और एक बहुत बड़ा मैसेज है इस फिल्म में, आप देखिएगा ज़रूर कि जो आज तक माशरे में हो रहा है, तो मैं इनके लिए गुड विशेज कहता हूँ, और इंशाल्लाह ताला आप जरूर इस फिल्म को देखें, और इस फिल्म के कुछ सीन ऐसे हैं कि आपको दिल थाम के देखने पड़ेंगे। तो मेरी कॉन्टैक्ट है और गुड विशेज है इनके लिए, मैं इनको कामयाब करें। थैंक यू। मेरा आखिरी सवाल आपकी पैनल से,
फिल्म के कुछ सीन मटीरियल ऐसे होंगे कि आप दिल थाम के बैठेंगे, बट आई अश्योर यू फिल्म में कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिनको आपको दिल थाम के बैठ के देखना पड़ेगा, उनमें से एक चेहरा है अली कुरैशी। सो अली कुरैशी, आप पहले क्या करते थे और क्या क्या आपकी बाकी पहली फिल्म है और आपको ये रोल कैसे मिला प्लीज बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरी पहली मूवी है, आप लोगों ने मुझे देखा होगा या बिल्कुल उस पर शायद ट्रेंड्स वगैरह के शॉर्ट्स पर देखा होगा। आई एम अ प्रोफेशनल मॉडल, बीन मॉडल फॉर 4 ईयर्स। मुझे मूवी कैसे मिली, सबक खुशी की टीम ने मुझे कॉन्टैक्ट किया था थ्रू फेसबुक। नॉर्मली ऐसे उससे पहले वाली बात बताई कि आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट की थी। मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, इसलिए नहीं भेजी थी कि मुझे फिल्म करनी, बट उन्होंने मुझे उनकी टीम ने मुझे कॉन्टैक्ट किया थ्रू फेसबुक एंड उन्होंने मुझे बोला कि आपको ऑडिशन करना है। फिर मैंने स्क्रिप्ट भेजी, फिर मैंने 3 से 4 ऑडिशंस भेजे इनको। फिर उन्होंने मुझे आई जस्ट वेटेड फॉर 1 वीक 2 वीक 3 वीक दे कॉल मी एंड सेड दे वांट टू हैव अ मीटिंग विद मी, दे रिलेटेड द स्टोरी टू मी एंड देन सेलेक्टेड मी। वेरी थैंकफुल टू देम, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। फिल्म बहुत अच्छी है, आप हमें बताएं, देख के बताएं कि अच्छी है या बुरी है। 24th of January डू वॉच, थैंक यू सो मच। फिल्म में अली कुरैशी और आरिफ असलम के साथ साथ समिया मुमताज, जो कि आपका जाना पहचाना नाम होगा, वो भी हैं और एक बहुत ही अच्छे कैरेक्टर में अली के साथ मेजर सपोर्ट में ईमान सुलेमान भी परफॉर्म कर रही हैं। सो वो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त आज इस तरीके से नहीं बन सकी, बट बहुत सारे रीजन्स हैं कि आपको इस फिल्म को 24 जनवरी और उससे आने वाले अगले दिनों में ज़रूर देखने के लिए आना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको फिल्म का वीडियो में आपको दिखाई
पूरा बैंड यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ उस्मान शकील हैं, अली हैं और बरहान हैं। आइए प्लीज साकिब। Oh.
Thank you.